लखनऊ के जिला कारागार में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल प्रशासन की ओर से कुछ कैदियों को दवा दी गई है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। खबर की सूचना मिलते ही जिला कारागार के प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कैदियों को जेल के अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। इस पूरी घटना पर जेल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का ये कहना है कि जेल के फार्मासिस्ट की गलती की वजह से सिट्रिजन दवा की जगह हूबहू वैसे ही दिखने वाली हेलो पैराडोल दवा दे दी गई थी, जिसकी वजह से कैदियों की हालत बिगड़ने लगी। फिलहाल अब कैदियों की हालत में सुधार है। अभी भी लगभग 18 कैदी ऐसे हैं जो कि जेल के अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ जिला जेल में दी गई दवाइयों के साइड इफेक्ट से 2 दर्जन से अधिक कैदी बीमार पड़ गए हैं। ऐसे में हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ के जो जेल के जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहा है, किस वजह से कैदी बीमार पड़े। सर, क्या कारण रहा है, किस वजह से कैदी बीमार पड़े? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली जैसा कि संज्ञान में आया है, जो प्रारंभिक जांच हम लोग के स्तर से की गई, एक दवा सेट्रिजिन हम लोग अमूमन एलर्जी के केसेस में दांत पास खुजली में इस्तेमाल करते हैं, और वो जाने अनजाने एक ड्यू टू ह्यूमन एरर बिल्कुल उसी तरीके की शक्ल की दवा होने की वजह से टैबलेट हेलोपेरिडॉल पेशेंट्स को चली गई, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट में नेक में स्टिफनेस, कुछ को घबराहट, बेचैनी, इस तरह के सिम्टम थे, माइल्ड सिम्टम थे, और जैसे ही पता चला तत्काल कार्रवाई की गई और उनको ट्रीट किया गया। इस समय कोई भी पेशेंट कोई ऐसे लक्षण नहीं है और सभी सामान्य। सर, क्या कारण रहा है जो कैदियों को दवाई दी गई थी, आखिर क्या दिक्कतें थी उनको? दिक्कतें बेसिकली उनको एक्जिमा, रिंग वर्म और एलर्जी, उसमें हम लोग सेट्रिजिन टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। सर, ये लापरवाही किसकी तरफ से हुई है? देखिए, लापरवाही तो इसमें सामूहिक रूप से सभी शामिल हैं। एक व्यवस्था है, एक तंत्र है, जिसको अलर्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसको ध्यान दिया जाना चाहिए था कि जब हम दवा दे रहे हैं तो उस दवा को हमको स्ट्रिप को देखना चाहिए था कि हम कौन सी दवा दे रहे हैं। कितने कैदियों में इस तरह की दिक्कतें आई हैं? शुरुआती करीब 35 मरीज थे और इस समय 18 मरीज हैं जो चिकित्सालय में भर्ती हैं। सभी के वाइटल्स मेंटेन्ड हैं, और आज हमने एक साइकेट्रिस्ट को कॉल किया हुआ है कि एक बार हम उनकी ओपिनियन ले लें कि क्या किसी में सिम्टम्स एग्रेवेट कर सकते हैं, या जिनमें नॉर्मल सिम्टम्स हैं उनको हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में बात करने के लिए जो जेल अधीक्षक हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आखिर जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही हुई है जेल के अंदर, तो इसको लेकर के किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किनके द्वारा एक लापरवाही हुई है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो कि फार्मासिस्ट ने वो दवा बांटी थी, तो प्रथम दृष्टया तो लापरवाही उसी की है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही कि पूरा तंत्र है, हम सभी लोग उस तंत्र में जुड़े हुए हैं। दवाओं का सही रख रखाव, वही दवाएं जाएं जो दवाएं बटनी थी, ये पूरा एक चेन है, पूरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें छूट हुई, बट कटिंग एज पे फार्मासिस्ट की तरफ से हुई है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर रिफर कर दिया गया प्रकरण, और भविष्य में इसके तरह की फिर लापरवाही या कोई गलती ना हो, इसलिए ऐसी दवाएं जो किसी व्यक्ति विशेष को दी जानी है, किसी रोग विशेष के लिए है, या जिनके दूसरे किस्म के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको पूर्व में स्थापित परंपरा में कि डॉक्टर के अपने चैम्बर में एक सेफ जगह पर वो सुरक्षित रहे ताले में, और इशू करते समय डॉक्टर साहब की मौजूदगी में इशू हो, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई त्रुटि दोबारा ना होने पाए। सर, अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बाकी जो कैदी जिनमें साइड इफेक्ट हुआ, तो उनकी क्या स्थिति है? नहीं, वो सब सामान्य है, सभी के वाइटल स्टेज नॉर्मल है, लेकिन उनको प्रिकॉशन के तौर पर अभी हमने हॉस्पिटल में रखा हुआ है, और डॉक्टर साहब की साइकेट्रिस्ट से बात हो चुकी है। ये थे हमारे साथ में जेल अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक भारी चूक हुई है। हालांकि इस चूक के लिए जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं उनको दोषी करार दिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात की जा रही है। लखनऊ से डेनिस के लिए जय श्री।